अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के स्पीकर का नाम है फजील उस्मानी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब आप दुबई पहुंचते हैं तो आपको एक DU की सिम मिलती है, अगर आप उसमें रिचार्ज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जब आप दुबई पहुँचते हैं तो आपको अपनी DU की सिम को एक्टिवेट करना होता है और उसमें आपको 1 GB जो है डेटा फ्री मिलता है। तो इस इन दोनों को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, तो दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जब आपको 1 GB नेट मिल जाए और आपको मज़ीद डेटा की ज़रूरत हो और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको रिचार्ज कर लूँ, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सिंपली आपने अपनी सिम एक्टिवेट करने के बाद और उसमें जो है 1 GB नेट फ्री हासिल करने के बाद, सिंपली आपने प्ले स्टोर पर जाके DU ऐप जो है इसको इंस्टॉल करना है। और इस पर अकाउंट किस तरह बनाएं, उस पर जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो जाके देख लीजिएगा और अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली रिचार्ज पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो रिचार्ज का आपके पास बटन होगा, आपने सिंपली रिचार्ज पर क्लिक करना होगा। इसके बाद 49 पैकेज में, धर्म वाले पैकेज में आपको 2 GB डेटा मिलेगा 28 दिन के लिए और आधे घंटे तक जो है आप इंटरनेशनल कॉल फ्री कर सकते हैं। इसी तरह से आपका पैकेज बढ़ता रहेगा, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अपने हिसाब से जो है रिचार्ज करें। अदर में ये है कि अगर आप सिर्फ 10 धरम जो है रिचार्ज करना चाह रहे हैं सिर्फ कॉल के लिए, तो आप सिंपली रिचार्ज अमाउंट में अपने रिचार्ज अमाउंट लिखें 10 धरम और उसको जो है आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे अभी 49 धरम वाला पैकेज जो है रिचार्ज करना है, तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है मुझे अपने कार्ड डिटेल्स एंटर करनी होंगी, जो आप पाकिस्तान का कार्ड हो या किसी भी कंट्री का कार्ड आपके पास हो तो आप उसको यूज़ करके बाय कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अपने यहाँ पर कार्ड डिटेल्स एंटर कर देता हूँ, अपना नाम एंटर करता हूँ, एक्सपायरी एंटर करता हूँ। उसके बाद जो है ये पेमेंट जो है मेरे बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होगी वेरिफिकेशन के लिए। तो बैंक जो है आपको 2 ऑप्शन देता है, या तो आप नंबर के थ्रू वेरीफाई हो जाएं या आप ईमेल के थ्रू वेरीफाई हों। तो सिंपली क्योंकि नंबर आपका नहीं वर्क कर रहा होगा आउट ऑफ कंट्री, तो इसलिए आपने सिंपली ईमेल पर जो है सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है और OTP फिर आपकी ईमेल पर आएगी। सिंपली आपने अपनी ईमेल पर जाना होगा और ईमेल पर जाने के बाद आपके पास एक OTP रिसीव हुआ होगा बैंक की तरफ से, उसको कॉपी करना है। तो यहाँ मुझे OTP रिसीव हो गई है, सो सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट पर क्लिक करूँगा और कुछ ही सेकंड्स ये जो है लोडिंग होगी, उसके बाद जो है मेरा रिचार्ज यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सिंपली आपने जो है यहाँ से इसको कैंसिल करना है और अब आप देखेंगे कि आपकी जो एक्टिव सर्विस होंगी वो यहाँ पे शो होने लगेंगी। जैसे मेरे पास अभी 2 GB डेटा है और 30 मिनट्स के लिए जो है लोकल एंड इंटरनेशनल कॉल्स हैं, तो मैं सिंपली यहाँ से जो है DU ऐप से देख सकता हूँ और मुझे मैसेज भी रिसीव हो गया कि आपका जो बंडल एक्टिवेट हो चुका है, तो आप इसको अब इंजॉय कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जो रिलेटेड लिंक्स मैंने बताई हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।